नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर सरकार का अहम निर्णय, 16 जुलाई से मनाया जाएगा हरेला पर्व। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की बैठक में 15 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। उदयपुर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साधा निशाना, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को ठहराया जिम्मेदार, कहा आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए तालिब का बीजेपी कनेक्शन। हरिद्वार में मिठाई कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पहले करता था कारोबारी के साथ काम। खटीमा में किशोर को जिंदा निगल गया मगरमच्छ, देवहा नदी के पास भैंस लेकर गए बच्चे को बनाया शिकार, परिजन बोले पेट चीर कर निकालो मेरा लाल। वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में आगामी 4 दिन रहना होगा सतर्क, मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई भारी बारिश की संभावना। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस बार हरेला पर्व को लेकर राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश भर में होने वाले पौधारोपण में 50% पौधे फलों के लगाने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर मंथन सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जिलों से DFO भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरेला पर्व के दौरान लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे इस साल के 15 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। के 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में पूर्व की भांति हरेला पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाने का सरकार का निर्णय है, जिसमें इस वर्ष 15 लाख पेड़ों को प्लांटेशन का हमारा टारगेट है। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म में चेंज किया, इसमें पहली बार हम लोग फलदार पेड़ 50% की संख्या में इसमें जो प्लांटेशन करेंगे 50% की संख्या में फलदार पेड़ होंगे। और इसमें जो प्लांट्स उपलब्ध कराना और टेक्निकल इनपुट देना, ये वन विभाग का काम होगा। वन विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में और उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में ये प्लांटेशन होना है वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को और वहाँ के एल्टीट्यूड को देखते हुए पेड़ों पौध का चयन किया जाएगा। क्योंकि इस बार हमारा ये है कि जितने पेड़ लगे उन पेड़ों में सक्सेस रेट बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पेड़
उसमें सर्वाइव करें और जो हमारा जो इसके पीछे जो भावना है वो भावना आगे बढ़े। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां वन विकास निगम के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैलाश गैतोड़ी पहली बार टनकपुर दौरे पर रहे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कैलाश गैतोड़ी का काफिला जगबुड़ा पुल से बनबसा होते हुए टनकपुर पहुंचा, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और वन निगम कार्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उदयपुर हत्याकांड के लिए पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कश्मीर से आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए तालिब का बीजेपी कनेक्शन निकलने पर माहरा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज अहमद और गौस मोहम्मद का कनेक्शन राजस्थान भाजपा के बड़े नेता गुलाबचंद कटारिया के साथ जुड़ा होना पाया गया है। साथ ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए तालिब का कनेक्शन भी भाजपा से। ऐसे में उन्होंने दोनों घटनाओं से आतंकी कनेक्शन की जांच किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। जब मैं वर्कर्स से बात करता हूं तो ऐसी घटनाओं से निश्चित ही वर्कर्स में थोड़ी चिंता दिखाई देती है और मैं उस चिंता से माननीय हरीश रावत जी को, माननीय प्रीतम सिंह जी को अवगत कराऊंगा कि लोगों का ये कहना है। और मैं जानता हूं कि दोनों कांग्रेस के मजबूत नेता हैं और दोनों ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कांग्रेस की सेवा में लगाया है। मुझे भरोसा है कि वो इस चिंता को समझेंगे। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां गुमानीवाला क्षेत्र स्थित लाल पानी बीट में वन विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध फिर शुरू हो गया है। नगर निगम के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पहुंची मेयर अनिता ममगाई को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां ग्रामीणों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि घनी आबादी में लगाए जा रहे इस कूड़ा निस्तारण प्लांट के आसपास कई स्कूल पानी की टंकी है। ऐसे में यदि कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा तो जो स्थिति गोविंद नगर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड की है, वही हाल लाल पानी क्षेत्र का भी होने वाला है। मेरा नाम दीपिका व्यास है, मैं ग्राम प्रधान गुमानीवाला से हूँ। यहाँ पे हम ट्रेंचिंग ग्राउंड के विरोध में आए हैं, पूरी जनता आई है यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, मतलब बनेगा ही नहीं वहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड। घुमाने वाला ग्राम सभा से समाज सेवा की तरफ से ये ग्राम प्रधान मेरी देवरानी है और मैं यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का ये मुद्दा लेके आए हैं कि इसमें ये नहीं बनना चाहिए। हमारे ग्रामवासियों को, सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जो आप यहाँ पर प्रदर्शन करा है, ये 2018 में जब मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर टीचिंग ग्राउंड बन रहा है, तब भी मैं महापौर के पास आया था और उस समय हमारे वर्तमान में जो हमारे पास स्वर्गीय राजेश ब्यास जी, हमने उस समय खुला विरोध करा था। सबसे पहले बहुत बड़ी चूक यहाँ पर आबादी वालों की, इन्होंने आबादी नहीं दर्शाई यहाँ पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल खटीमा के सुनपहर मेहरबान नगर गांव में पशुओं को नदी पार करा रहे 13 वर्षीय किशोर पर अचानक मगरमच्छ ने पानी में खींचकर हमला कर दिया, जिसके बाद से किशोर लापता बताया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ लिया है। वहीं मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों और वन विभाग की टीम में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फोन पर पीड़ित परिवार से वार्ता कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हाँ, ये कल सूचना प्राप्त हुई थी, सत्रमिल चौकी क्षेत्र में मेहरबान नगर गांव पड़ता है, उसके पास ही देवा नदी बहती है, तो वहाँ पर तीन बालक की नदी में
शायद नहाने गए थे, तो उसमें से एक 12-13 वर्षीय बच्चा था, उसको मगरमच्छ ने अपना निवाला बना दिया। तो जिस सूचना पर पुलिस वन विभाग की टीम और राजस्व की टीम मौके पर गई थी, तो काफ़ी प्रयास, जिसमें बच्चे की तलाश का काफ़ी प्रयास किया गया था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा एक मगरमच्छ को पकड़ा भी गया था, जिसको वन विभाग ने अपनी सुपुर्दगी में लेकर अग्रिम कार्रवाई को अस्पताल ले लिया था। जो भी मुआवजा होगा नियमानुसार वो वन विभाग ही तय करेगा उस बात। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने मिठाई कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को अंबेडकर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक ने बताया कि वह पहले आर्यनगर चौक स्थित मिठाई कारोबारी के यहां काम करता था, जहां से हटकर आरोपी ने खुद का व्यापार शुरू किया, जिसमें लगातार हो रही आर्थिक हानि के चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गया, लिहाजा उसने अपने पूर्व मालिक को ही फोन करके रंगदारी की धमकी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कल हमारे यहाँ सूचना आई थी कि गोयल स्वीट के ओनर को 20 लाख की रंगदारी हेतु एक धमकी भरा मैसेज आ गया है, जिसके तहत हमने तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ाई और तत्काल टीम का गठन कर उसकी खोजबीन हेतु निर्देशित किया गया। उसी क्रम में हमारे द्वारा एक नंबर आइडेंटिफाई, जिस नंबर से मतलब धमकी भरा हमें मैसेज आया था, उस नंबर का कैफ निकाला गया, वहाँ से हमें कुछ डिटेल्स प्राप्त हुई। उसके तहत तक जाते हुए हमें एक आदमी का नाम प्रकाश में आया, उसको उठाया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा कबूला गया कि वो पहले गोयल स्वीट्स के यहाँ रिसेप्शनिस्ट कम कैशियर का काम किया करता था। मार्च में ही उसके द्वारा वहाँ से छोड़ा गया और अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया गया। वहाँ पर उसको आर्थिक हानि हो रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए उसके दिमाग में एक मतलब ये रंगदारी वाली बात आई और जिसके तहत उसने इस घटना को खारिज किया। काशीपुर में चालक के साथ आम लोगों की जागरूकता ने सोमवार को एक बड़े हादसे से दर्जनों बच्चों को बचा लिया। जानकारी के अनुसार कुंडेश्वर स्थित समर स्टडी हॉल स्कूल के बच्चे स्कूल बस के जरिए पीरूमदारा से अपने घरों को लौट रहे थे, इसी दौरान बस के ब्रेक फेल हो गए। घटना की सूचना के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए लोगों को सामने से हटाया और बस का इंजन बंद कर दिया। वहीं लोगों ने भी बच्चों की चीख पुकार सुनकर बस के नीचे ईंट पत्थर फेंक कर उसकी स्पीड कम की, जिससे कुछ दूर जाकर बस रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि रामनगर और आसपास के कई निजी स्कूलों की बसों के हाल खस्ताहाल हैं और हादसे होने की संभावना बनी रहती है। इधर सोमवार को ही घटना को लेकर एआरटीओ संदीप वर्मा ने कहा कि सूचना के बाद विभागीय टीम ने जांच के लिए मौके पर पहुंचकर जांच की गई है, लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है, मैंने स्टाफ को अपने भेजा था वहां पर, तो उसमें ये पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे इसमें आए थे यहाँ पर, और बहुत धीरे धीरे चल रही थी, शायद उसके ब्रेक नहीं लगे, लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है, तो हम स्कूल प्रबंधन के। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मॉनसून के दस्तक के बाद ही पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति हो गई है। वहीं गुरुवार तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, आज 4 तारीख है जुलाई की, और जुलाई में जो एक्टिविटी अभी तक भी मिली है तो ठीक मिली है। करीब करीब मानसून जो 1-2 तारीख की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और 3-4 में तो अगर बात कर लें तो थोड़ा जो है नॉर्मल के आसपास ही रही एक्टिविटी। अभी पास 24 आवर्स जो है वो नॉर्मल ही है, और 2 में भी जो नॉर्मल के आसपास ही आया था, लेकिन हाँ जैसे आपका 29 या 30 तारीख था तो इसमें एक्टिव रहा था, तो कहीं ना कहीं जो रेन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो गई है। और अभी आगे अगर बात करें, आज 4 तारीख तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी अनेक जगहों तक में। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के मद्देनजर युवाओं को सदस्यता दिलाई गई है,
जिसके चलते ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि बीते दिनों गुजरात में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 66,000 लोगों ने एक साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। राजनीतिक दल हो, नौजवान उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और आज रायपुर विधानसभा से लगभग 15 नौजवानों ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा में, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण की। हम आम आदमी पार्टी परिवार में सभी साथियों का स्वागत करते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि कल जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 66,000 से ज़्यादा लोगों ने गुजरात में आम आदमी पार्टी का सदस्य बन करके एक चौंकाने वाला आंकड़ा गुजरात के अंदर दिखाया, तो वो हमारे लिए भविष्य के लिए बेहतर संकेत है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी का आकार लेती जा रही है। 14 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले में शिव भक्तों की अगवानी के लिए जहां यूपी और उत्तराखंड की सरकारें तेजी से तैयारियों में लगी हुई हैं, वहीं कांवड़ियों के स्वागत के लिए रेलवे भी बड़े इंतजाम करने जा रहा है। ऐसे में उत्तर रेलवे के ADRM NN सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर 2 साल बाद शुरू हो रहे कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे इस बार कांवड़ मेले में शिव भक्तों को हरिद्वार तक लाने और ले जाने के लिए कई ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनों को हरिद्वार तक एक्सटेंड भी किया जा रहा है। यही नहीं, कांवड़ियों की सुविधा के लिए अलग से रेल टिकट के काउंटर खोलने, स्वास्थ्य कैंप लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं ADRM NN सिंह ने बताया कि जो ट्रेनें गाजियाबाद और सहारनपुर से आएंगी, इन ट्रेनों में लोगों को चढ़ने से रोकने के लिए GRP, RPF और जवान लगाए जाएंगे। इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, 2 साल जो कोरोना के चलते कांवड़ मेला पर प्रतिबंध था, उसके बाद ज़्यादा पैसेंजर आने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग 6 तारीख को रखा हुआ है और DGP उत्तराखंड की एक चिट्ठी के आधार पे ये बताया गया है कि 3,90,00,000 लोग पिछली बार 2019 में आए थे, उसमें 20-30% बढ़ोतरी की संभावना है। उसी को ध्यान में रखकर के रेलवे अपनी पूरी तैयारी कर रही है और हम लोग स्पेशल ट्रेन भी ज़रूरत पड़ेगी तो चलाएंगे और कुछ ट्रेनों का एक्सटेंशन करेंगे। जो दिल्ली और मेरठ साइड से आती है, सहारनपुर साइड से आती है, उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 14 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की ओर से हरिद्वार के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को मेले से पहले सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान लगने वाली खाद्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि मेले के दौरान लगाई खाद्य वस्तुओं की दुकानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी टीम दुकानों का सर्वे कर गुणवत्ता की भी जांच करेगी। अगर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हमने कांवड़ मेला इसमें स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने एक टीम गठित करेंगे और ये जो प्रतिदिन जो है निरीक्षण करेंगे उन एरियो में, और जो जो जिनके पास भी जो भी अगर गलत सामान पाए जाएंगे तो उनके हम सप्लाई अपने करेंगे। जो ये इनमें अस्थायी जो दुकानें लगती हैं, इनके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं, उनके द्वारा अप्लाई करने के बाद हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी कर देंगे। भाई हमारे यहाँ ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं बाजपुर चीनी मिल को तैयार करने की मांग को लेकर किसानों ने GM विनीत जोशी के साथ बैठक की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में
किसानों ने मुलाकात की और गन्ने के बकाया भुगतान को जल्द किसानों को देने, चीनी मिल के बॉयलर की मरम्मत करवाने, समय से टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। हमारी दो तीन मांगे हैं, ज़्यादा मेन तो ये है कि फैक्ट्री टाइम से चले, और जीएम साहब ये बता रहे हैं कि बैलर जो है वो काम नहीं कर रहा, बिल्कुल पुराना हो गया बहुत ज़्यादा। इसलिए आज हमें बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि हमारे चीमा बैलर वाले यहाँ आए हुए मौजूद बैठे हुए हैं, उन्होंने जीएम साहब को सारी बात बता दी है कि बैलर कैसे लगेगा, मरम्मत क्या होगा, कैसे होगा। अगर बैलर ठीक हो तो फैक्ट्री ठीक चलेगी, पुराना बैलर हो गया वो स्टीम नहीं ठा रहा, इसलिए पिछले साल दुखी हो गए लोग, तीन तीन चार चार दिन यहाँ ट्राली खड़ी थी तो गन्ना तोला जाके, वो चीफ इंजीनियर जो पीछे जहाँ से चले गए हैं उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्री का भट्ठा बढ़ा के चले गए हैं। अब हम जीएम साहब को ये नए आए जो इनको कह रहे हैं कि फैक्ट्री जो है ये अच्छी तरह चलाओ ताकि किसानों का गन्ना टाइम से निकल जाए, और 15 अक्टूबर से पहले पहले फैक्ट्री जो है वो चलनी चाहिए ताकि जो लोग बाहर गन्ना ले जाते हैं वो बाहर गन्ना ना जाए, हमारी फैक्ट्री ही गन्ना पे ले। संज्ञान लिया जा रहा है और बार बार किसान बंधुओं के साथ बैठक भी की जा रही है, अंदर अच्छी अच्छा काम चल रहा है, कोशिश ये हो रही है कि हम 15 अक्टूबर तक अपना कार्य समाप्त कर लें और ट्रायल भी कर लें जल्दी से जल्दी, जिससे कि जब भी हमको आदेश हो मिल चलाने का हम उस वक्त मिल चला दें। शासन से लगातार संपर्क बना हुआ है और जो भी ड्यू जब बचे हुए हैं उनकी सूचना भी भेजी जा रही है और शासन से शीघ्र ही धनराशि मिलने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।